ना हम आज भी जॉब के लिए चले जाएं तो 5 करोड़ का सालाना पैकेज एवरेज मेरे बैच में मिल जाता। तो मेरे पास ऐसी भी रात थी, आप मानिए कि एक ट्रक वाला आदमी उधार पे मुझे दाल रोटी खिला रहा है, नो एंड देन यू फील लाइक कि अब छोड़ देना चाहिए। वीक पीपल विल लीव, कमजोर कामचोर कायर झूठे लोग वो छोड़ देंगे और छोड़ते छोड़ते गालियां भी देते रहेंगे। सो माई 2 सजेशंस ऑन दिस ऑन मनी मैनेजमेंट, नंबर 1 इज मैंने शायद कहीं और ये बातें नहीं की होंगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा समय आया करीब एक साल भर का जिसमें आप मानिए फाइनेंशियली आपको बताऊं तो बर्तन नहीं बिके, बाकी सब हो गया। और हम जिन जॉब्स में से आए हैं, जिस कॉलेज से मैंने MBA किया है, हिंदुस्तान की या वर्ल्ड की कोई भी कंपनी आप बता दें, उस कंपनी में टॉप 3 पोजीशन में मेरा जूनियर या सीनियर या बैचमेट होगा। यू नेम एनी कंपनी राइट इन एनी सेक्टर राइट, आई कम फ्रॉम दैट गुड कॉलेज। 2-3-4 करोड़ का एवरेज पैकेज सालाना मिल जाना, हम आज भी जॉब के लिए चले जाएं तो 5 करोड़ का सालाना पैकेज एवरेज मेरे बैच में मिल जाता है। अब 20-30 लाख रुपए कमाने के लिए मुझे कोई मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। आई कैन टुडे विद माई कॉलेज डिग्री एंड माई एलुमनाई नेटवर्क, आई कैन गो इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड आई कैन गेट अ जॉब इन 24 आवर्स, पेइंग मी 20-40 लाख रुपी पर मंथ सैलरी ऑन द स्पॉट। बिकॉज उसके जो प्रेसिडेंट होंगे, उसके जो CEO होंगे या उसके CFO होंगे या HR हेड होंगे, वो या तो मेरे कॉलेज के बैचमेट होंगे या फिर वो मेरे सीनियर होंगे या फिर मेरे जूनियर होंगे, या हम 15 मिनट में ढूंढ लेंगे। जब आप ऐसी जगह से आते हैं ना और आपके पास थोड़ा बुरा समय आता है, तो फिर सलाहकार भी आपके पास वैसे वाले होते हैं कि यार हम ना इसके लिए बने नहीं हैं, ये सब हमें छोड़ देना चाहिए, यू नो आपको जॉब दोबारा मिल जाएगी। मैं मेरी कंपनी का टॉप परफॉर्मर था, मेरी कंपनी भी शायद मुझे दोबारा रख लेती, तो वो टफ टाइम होता है। और आपके पास वैसे सलाहकार होते हैं जो आपको ऐसी सलाहें देते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं, वापस चलते हैं, वापस जाना बहुत आसान होता है। यू नो आई हैड वन टाइम, आप मानिए मैं अमृतसर से लौट रहा हूँ, रात को 2:30-3 बजे का समय है, मेरे पास करीब 150 रुपये हैं मिला के। 150 रुपये में या तो गाड़ी में डीजल जल सकता है या खाना खाया जा सकता है, दोनों में से एक कर सकते हैं, और डीजल डलवाना ज़रूरी है बिकॉज घर कैसे पहुँचेंगे। तो और हम जनरली ढाबों पे रुक जाते थे, तो ढाबे पे सेफ्टी होती है क्योंकि वहाँ जितने भी ट्रक वाले खड़े हैं ना, वहाँ खोने के लिए किसी के पास कुछ नहीं है, तो शांति मिलती थी बड़ी वहाँ पे, मतलब सेफ सो जाते थे। तो हम गाड़ियों में सो जाते थे रात को, तो वहाँ एक ट्रक वाले अंकल, शर्ट उन्होंने नहीं पहनी हुई है, बनियान में बैठे हैं और उन्होंने पूरा सेटअप बना के रखा हुआ है, और रोटी दाल और उनकी बॉटल खुली हुई है, और मतलब मेरे को कस के भूख लगी हुई है, और कहीं कुछ खाने पीने को मिलता नहीं है। कई बार हालत ऐसी रहती है, किसी ने कुछ पूछा नहीं, मतलब बिजनेस की हालात भी ऐसे थे, डायरेक्ट ही काम करते थे। मुझे देख के वो बोलते हैं रोटी खाएगा, मैं बोला नहीं अंकल आप खा लो, कह रहे नहीं खा ले, और फिर मैंने हाँ कर दी। तो मेरे पास ऐसी भी रात थी, आप मानिए कि एक ट्रक वाला आदमी उधार पे मुझे दाल रोटी खिला रहा है, नो एंड देन यू फील लाइक कि अब छोड़ देना चाहिए। ये आपके साथ आएगा और ये रूटीन में होता है। मैं आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ। देखो, जब आपका लॉन्ग टर्म विजन है ना, तो आपको ये मालूम है कि ये टेम्परेरी है, ये निकल जाएगा, कोई बात नहीं, सबके साथ आता है, हमारा भी निकल जाएगा। सेकेंड इज यू नीड टू हैव दैट एटीट्यूड एंड यू नीड टू डू दिस मंथन, कि ये जो हुआ है इसके पीछे वजह मैं हूँ या कोई और है। अगर आप गाली कंपनी को देते हैं और आपकी उंगली उस तरफ जाती है कि ये बिजनेस मेरा काम इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि इंडस्ट्री खराब है, कंपनी खराब है, तो फिर छोड़ देना चाहिए। लेकिन जिस कंपनी में मैं था, मैंने उस कंपनी में लोगों को पैसा कमाते हुए देखा था, और 1-2-3 को नहीं, काफ़ी सारे लोगों को आ रहा था, तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि बॉस अगर इनको आ रहा है, इनके भी 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, इंसान का बच्चा है, अगर ये कर सकता है कर तो हम भी सकते हैं, शायद हम में कहीं कमी है। और जब आप इन्वर्ट जाते हैं ना और आप ये ढूंढना शुरू करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप लेते हैं ना काम की, राइट, देन मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग एंड देन यू स्टार्ट फिगरिंग आउट गलती मेरी है। और जब गलती मेरी है तो फिर बदलना मुझे है, इंडस्ट्री को नहीं बदलना, कंपनी को नहीं बदलना, अपलाइन को नहीं बदलना। व्हेन यू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू, देन यू विल नॉट क्विट, राइट। और अगर आपके ड्रीम्स, जैसे मेरा कारण बहुत सरल था, मुझे बड़ा आदमी बनना है, यहाँ से मैं बन सकता हूँ, तो फिर कोई बात नहीं, हर रात की सुबह होती है, हम अगले दिन दोबारा सुबह शुरू कर लेंगे। आप में सच्चाई फेस करने की हिम्मत होनी चाहिए। क्या आप आईने में खड़े होकर ये बोल सकते हैं कि जो ये हुआ है उसके लिए कोई और जिम्मेवार है या मैं जिम्मेवार हूँ? 99.9% केसेस पीपल आर रिस्पॉन्सिबल देमसेल्व्स। और ब्लेम लेना तो बहुत आसान है ना, कि उसने किया, उसने किया, उसने किया, उसने किया। सो वीक पीपल विल लीव, कमज़ोर कामचोर कायर वो छोड़ देंगे और छोड़ते छोड़ते गालियाँ भी देते रहेंगे।
यू नो, और फिर वो महीने दो महीने बाद किसी और कंपनी में भी पाए जाएंगे, वहाँ पे भी उनकी फ़ोटो आ जाएगी. बट रियल गुड पीपल, कमिटेड पीपल, जेन्युइन ऑनेस्ट पीपल, दे नो कि सुधार उनको करने की ज़रूरत है, उनको बदलने की ज़रूरत है, दे विल नॉट क्विट. कई बार ना इंसान का जो माइंडसेट होता है वो रहता लाख दो लाख का ही है, और पैसे 10 लाख रुपए आ जाते हैं, क्योंकि जिस प्लान में वो काम कर रहे हैं उस प्लान में अगर दो लोगों ने ठीक से काम करना शुरू कर दिया तो उनका काम चलता रहेगा वो जैसे भी रहे हैं. जनरली दो चीज़ें साथ साथ ग्रो होनी चाहिए, एक आपकी टीम का साइज, आपकी इनकम, और दूसरा आप खुद, आपकी लीडरशिप, आपका माइंडसेट, यू नो, आपके एथिक्स, आपके संस्कार, फिर आप पैसे को संभाल पाएंगे. कई बार जब पैसा ऐसे ही आ जाता है ना, देन पीपल, उनका वो मैच्योरिटी डेवलप नहीं होता है, वो लीडरशिप डेवलप नहीं होती है, सो फिर वो पैसे को संभाल नहीं पाते हैं, और वो गाड़ियाँ भी चली जाती हैं और पैसा भी चला जाता है. सो पैसे के साथ साथ वी नीड टू बी, यू नो, रीड गुड बुक्स, बी विद गुड पीपल, यू नो, स्पिरिचुअली यू अलाइन योर सेल्फ, यू नो, टू हायर पावर्स. मैं आपको बॉन्ड पेपर पर लिख के दे सकता हूँ, जिसको बहुत सारा पैसा आ रहा है ना उसमें कुदरत का आशीर्वाद और यूनिवर्स की पावर है, इसके लिए पैसा आया है. सिर्फ हमारे करने से पैसा नहीं आया है. आई हैव डायरेक्टली इनडायरेक्टली करीब मैंने 2 मिलियन से ज़्यादा डायरेक्ट सेलर्स के साथ में काम किया या मैंने ट्रेनिंग दिया है. बहुत लोग हैं जो सुबह से शाम तक ईमानदारी से टाई लगाकर, साड़ी पहनकर इस बिजनेस के लिए ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्लिक नहीं हो रहा है. राइट, दे आर गुड पीपल, जेन्युइन पीपल, डूइंग गुड क्वालिटी वर्क, बट उनको उतना पैसा नहीं आ रहा जितना किसी और को आ जा रहा है, 10 लाख 20 लाख. तो अगर एक पॉइंट से ऊपर आपको पैसा आ रहा है ना, तो आप मानिए आपको हमेशा ये ऊपर देख कर ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कैसे करना है इसको. उसको जब आप क्रेडिट देते हैं ना, देन फिर आपको सही तरह के लोग मिलने लगते हैं. और कई लोग होते हैं जिनको इस ये अहम हो जाता है कि ये पैसा मेरी वजह से आ रहा है, और जिसको मैं आ गई ना, फिर उसके आसपास अच्छे लोग नहीं आते हैं. यू नो, गुड पीपल डोंट लाइक टू बी विद इगोइस्टिक पीपल. मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ हमारे ऑफिस में हर हफ्ते 10 दिन में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर आता है जो 1000 करोड़, 2000 करोड़ या कई बार 20-20 हज़ार करोड़ के लोग हैं जो हमारे ऑफिस में आ जाते हैं. एंड वाई दे कम, आई डोंट हैव उतना सारा पैसा, यू नो, बट वाई स्टिल दे कम टू अस इज बिकॉज ऑफ द वाइब, बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल कनेक्शन, बिकॉज ऑफ द गुड संस्कार, एथिक्स, वैल्यूज एंड गुड गाइडेंस वी आर एबल टू गिव देम. अच्छे लोग अच्छे लोगों के साथ रहेंगे. जैसे ही पैसे के साथ आपकी मैं बढ़ गई ना, फिर अच्छे लोग आपके पास नहीं आएंगे, बिकॉज यू स्टार्ट रेडिएटिंग रॉन्ग काइंड ऑफ वाइब्स. मेरी बात मत मानो, रामायण मान लो ना, जो कुछ रावण के पास था वो किसी और के पास नहीं था, लेकिन जैसे ही बुद्धि भ्रमित होती है और जैसे ही उसको लगने लगता है मेरा सब है और मैंने सब किया है और मैं भगवान के बाद अगर कोई है या उसके बराबर कोई है तो मैं हूँ, इफ़ सम सीनियर, सम टॉप लीडर, इफ़ दे हैव दिस फीलिंग, उस टाइम पे तो भाई छोड़ देते हैं, बाकी आप छोड़ दीजिए. तो गुड पीपल, अच्छे संस्कार वाले लोग, वो आपसे कटना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे आपकी जो एडवाइजरी बोर्ड और कमेटी होती है ना, वो भी ख़राब हो जाती है, एंड देन यू डोंट इवन रियलाइज कि आप गलत कर रहे हैं. अच्छे सलाहकारों को ज़िंदगी से जाने मत दीजिए, अच्छे लोगों को ज़िंदगी से जाने मत दीजिए. अपने अहम को बहुत बड़ा मत करिए, और उस ऐसा मत करिए कि सब मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज गुड पीपल विल लीव यू. सो बी अराउंड गुड पीपल हु गाइड यू. और अहम ना आपको सुनने नहीं देता है, बोलने के लिए प्रेरित करता है. राइट, कि मैं हूँ, राइट, मैं मतलब मैं, तो फिर आप अच्छी बातें सुनेंगे नहीं. जब आप सुनते नहीं है ना, देन यू नो इट ऑल क्रैशेस. तो अगर रावण की सोने की लंका, जो भगवान शिव के परम भक्त थे, अगर उनको ऐसी मौत मिली और इस तरह से उनका सब बिखर गया, तो फिर यहाँ तक तो कोई हिंदुस्तान में तो नेटवर्क मार्केटर नहीं पहुँचा है. राइट, इतने बड़े मुकाम पर. राइट, तो फिर आप कौन है. एंड सेकेंड इज रिस्पेक्ट मनी व्हेन इट इज़ कमिंग. लोगों को दिखाने के लिए गाड़ियाँ, बड़ा घर या वो वाली सब चीज़ें मत लीजिए जो आप ठीक से मैनेज नहीं कर सकते हैं. यू नो, सो पीपल, यू नो, वो खर्चे बढ़ा लेते हैं, इनकम उतनी स्टेबल नहीं है. एक लाइन बोलता हूँ आपको, मेरी हर किताब में लिखी है ये, भगवान आपको बड़ी टीम, बड़ा प्यार और बड़ा सम्मान तब देंगे जब आप उसके लिए तैयार हो जाएंगे. तो ना, यू डेवलप योर लीडरशिप लाइक दैट, देन इट विल हैपन. और दिखावे के लिए कुछ मत करें. गाड़ी तब लें जब आप अफोर्ड कर सकते हैं, यू नो, घर तब, बंगला तब बनाएं जब आप मैनेज कर सकते हैं. यू नो, डोंट गो इनटू शो ऑफ एंड ऑल अननेसेसरी.